जी हाँ, सही पढ़ा आपने। टू सीसी करने से पहले काश हमें ये पता होता। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें टू सीसी करने से पहले पता होना चाहिए? तो इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे, इट मीन्स इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल पूनम हाउसवाइफ अर्न। माई नेम इज पूनम यादव, आई एम प्राउड TLF क्रिएटर। तो देखिए, ये सच बात है कि आपको टू सीसी करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप टू सीसी कर रहे हैं, किसी के भी साथ कर रहे हैं आप, बट आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम, चलिए ठीक है, एनरोलमेंट करके हमने पैसे दिए कि हमें कोई क्लास या वेबिनार या बूट कैंप अटेंड करने के लिए दे रहे हैं, तो चलिए हमने पैसे दे दिए, कोई नहीं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं, है ना, कि आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपके आईडी एक्टिव कर देते हैं। पहले आप 1000 रुपये दे दीजिए, 1500 रुपये दे दीजिए, फिर आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद आप टू सीसी कर लेना आराम से। तो आप दे देते हैं, ठीक है। बट उससे पहले भी, चलिए आपने पैसे भी दे दिए 2000 रुपये, उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आईडी खुद ही क्रिएट कीजिएगा। इसका क्या रीजन है? देखिए, आप अपने अपलाइंट को, जिसको भी आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आप क्यों शेयर करेंगे? आप अपने से खुद से आईडी बनाइए, जैसे कि आप भी कुछ सीखेंगे, आपको भी कुछ सीखने की जरूरत है, राइट? तो आप उनसे क्यों बनवाते हैं अपने अपलाइंट से? आप खुद बनाइएगा, ठीक है। पहले इस बात का ध्यान रखना है। देन आपको आपकी आईडी क्रिएट कर देते हैं अपलाइंट, उसके बाद आपसे बोलते हैं कि आप छोटे छोटे शॉर्ट में लेके टू सीसी कर लीजिए। फिर बोल दिए 2000 दे दिए, 5000 दे दिए, 7000 दे दिए, चलो ठीक है। बट आप उनको क्यों दे रहे हैं? चलिए आप फॉर एवर में लगा रहे हैं 5-7, क्योंकि आप एक शॉट में नहीं कर पा रहे हैं, हर किसी की प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप, अगर आपको करना ही है बिजनेस, तो आप उनको क्यों दे रहे हैं, है ना? आपको खुद फॉर एवर ऐप डाउनलोड करना है, और किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं आप, KYC कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीज जब आप कर सकते हैं तो फिर आप क्यों पे कर रहे हैं? तो आपको किसी के अकाउंट में पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, टू सीसी करने से पहले इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ जी, तो देखिए, मैं अपना यही बोलूंगी, जब मैंने पहले भी किया था तो मैंने खुद से क्रिएट किया था, और अभी भी मैंने खुद से क्रिएट किया है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायद हम खुद से करेंगे तो कुछ चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, और सीखना बहुत अच्छी चीज है। जब आप लर्न करेंगे तभी किसी को सिखा सकते हैं, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। देन अगर आप टू सीसी करने जा ही रहे हैं, या फिर टू सीसी आप करने के लिए तैयार हैं, आपको सिस्टम भी समझ में आ गया, टीमवर्क भी आपको अच्छा लग रहा है, अपलाइन भी आपको अच्छी लग रही है, बिकॉज वो पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं, है ना, और सब चीजें आपको अच्छी लग रही है, अब उसके बाद आपको क्या चीज का ध्यान रखना? उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या जेन्युइन आपको लीड देंगे वो, क्या आपको बाद में परचेस नहीं करना पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अपलाइन होते हैं वो खुद ही अपना एड रन करते हैं, जो कि पैसों से होता है एड रन। जब वो अपना पैसा लगाएंगे तो फिर आपसे क्यों नहीं लेंगे वो, है ना? तो आप देखिए, पैसा कमाने आए हैं आप फॉर एवर में, बट कि आप लगाते जाते हो। तो यही मैं बता रही थी, अगर आप टू सीसी करना चाह रहे हैं ना, उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने आपको सारी बातें बताई कि टू सीसी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं और बोलूंगी कि फिर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप उनको लाइक बात कर सकते हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव हैं, जो भी लीड्स दी जाएंगी। तो देखिए, जरा आप ही अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, अगर हम किसी को कॉल करते हैं सडनली, और कोई हमारा कॉल पिकअप करता है और हम बोलते हैं आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था और ये अपॉर्चुनिटी है, बट आप उसमें अपना कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते हैं, राइट? फिर आपने अटेंड कर लिया 3 दिन की वेबिनार या फिर 3 दिन का बूट कैंप, उसके बाद फाइनल हो ही जाता है कि आखिर फॉर एवर है, इसमें टू सीसी करना है, और जो कि परमानेंट लेवल है अचीव करना है। बट सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद बंदा आता है, नहीं आता, बट आपकी अपलाइन उस जगह क्या बोलती है कि देखिए, आपका काम सिर्फ कॉल करना है, बाकी फिर मैं देख लूंगी। ऐसा होता नहीं है, हमारा काम कॉल करना है, अपलाइन ही सारा कुछ देख लेंगी, तो फिर अपलाइन कॉल भी कर लेंगी, है ना, फिर हमें क्यों दे रहे हैं कॉल करने के लिए, फिर आप भी कॉल कर लो। तो यही मैं आपको, है ना, समझाना चाहूंगी कि टू सीसी करने से पहले आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। काफी मैंने ये भी देखा है कि, मैंने खुद से देखा है कि आप, है ना, टू सीसी के लिए नहीं बोलना है किसी को, फॉर एवर के लिए नहीं बोलना है आपको,
आपको बूट कैंप के लिए लेके आना है, आप बात कीजिएगा, उसके बाद आप मुझे दे दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी कि मैं उनको हैंडल कर लूंगी जो भी प्रोस्पेक्टिव है कि किस तरीके से क्या करना है। तो देखिए हम इतनी बात कर लेंगे उनसे, है ना, फिर उसके बाद अपनी अपलाइन को देंगे। तो क्या लगता है, जब वो हमसे मना कर चुके हैं तो हमारी अपलाइन से हाँ करेंगे, नहीं करेंगे? तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको 2CC करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल बनी हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फॉर एवर से रिलेटेड इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और मिलते हैं इसी टाइप की किसी वीडियो में। उससे पहले चैनल को फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, जिसने कर लिया है वो इग्नोर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा।